और सिंगू बॉर्डर के बाद अब टिकरी बॉर्डर पर भी हंगामा शुरू हो चुका है। यहाँ पर बॉर्डर खाली कराने के लिए स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं और बॉर्डर को खाली करने की बात कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां पर जयंत चौधरी भी किसान महापंचायत में पहुंचे। इससे पहले जयंत चौधरी का स्टेटमेंट आया था इस आंदोलन को लेकर, यह आंदोलन जारी रहेगा अपना समर्थन देते हुए, और अब किसान महापंचायत में पहुंच चुके हैं जयंत चौधरी। उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहां बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और जयंत चौधरी भी अब किसान महापंचायत में पहुंच चुके हैं अपना समर्थन देते हुए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जयंत चौधरी भी पहुंच चुके हैं और किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी अब इस महापंचायत का हिस्सा बन चुके हैं और यहाँ पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं, किसानों की महापंचायत जिसमें जयंत चौधरी भी पहुंच चुके हैं। ये सिसौली में है इस वक्त जयंत चौधरी महापंचायत, जिसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां पर जयंत चौधरी की मुलाकात सुबह राकेश टिकैत से हुई थी और वहीं पर किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए इसके आगे जारी रखने की बात उन्होंने की थी, और उसके बाद अब पहुंचे हैं महापंचायत में जयंत चौधरी। देखिए राकेश टिकैत से पहले उन्होंने मुलाकात की थी, अब नरेश टिकैत से मुलाकात की, महापंचायत में शामिल हो गए सिसौली में, जहां किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद है। इससे पहले निशाना साधा था प्रधानमंत्री पर भी जयंत चौधरी ने, जब राकेश टिकैत से उनकी मुलाकात हुई थी और ये भी कहा था कि किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, आंदोलन के आगे जारी रहने की भी बात उन्होंने की थी। किस तरीके से घमासान बढ़ता जा रहा है कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, उसकी एक एक तस्वीर बॉर्डर से आप देख रहे हैं। और अब जयंत चौधरी आरएलडी के नेता सिसौली पहुंच चुके हैं, जहां महापंचायत में भारी संख्या में किसान मौजूद हैं और अब वहां पर पहुंचे हैं जयंत चौधरी। और अब देखिए सिंगू बॉर्डर के बाद टिकरी बॉर्डर पर भी हंगामा कैसे बरपा हुआ है। वहां पर स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं और बॉर्डर को खाली कराने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कह रहे हैं कि बॉर्डर को अब खाली करना ही होगा। एक तरफ पहले सिंगू बॉर्डर, उसके बाद टिकरी बॉर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अब सिंगू बॉर्डर का अगर अपडेट मैं आपको दूं तो वहां पर बैरिकेडिंग्स की संख्या बढ़ा दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर भी जहां स्थानीय लोग हैं, ऐसे ही हालात बने हैं, टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। और सिंगू बॉर्डर से बड़ी खबर यह है कि एसएचओ अलीपुर पर हमला करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने तलवार से हमला करने वाले को हिरासत में ले लिया है। हमले में अलीपुर थाने के एसएचओ गंभीर रूप से घायल हुए थे, जहां से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तलवार से उन पर हमला किया गया था। जब स्थानीय लोग और साथ ही बैठे हुए आंदोलनकारी किसानों के बीच में झड़प की स्थिति पैदा हुई, एसएचओ अलीपुर वहीं थे और उन पर तलवार से हमला किया गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, धारदार
हथियार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को घायल किया गया, एसएचओ को घायल किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया और जिस शख्स ने हमला किया था उस उपद्रवी को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। और सिंगू बॉर्डर से ही मेरे सहयोगी विपिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, जरा अब वहां की स्थिति अगर आप एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि इससे पहले काफी गहमा गहमी थी, अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्या आप भी स्थानीय लोग हैं या हटा दिया गया उन्हें पूरी तरह से? देखिए, स्थानीय लोगों को जो यहाँ पर इनसे बातचीत करके अपनी असहमति जताने आए थे उन्हें यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर कर दिया गया है और जिस एरिया में ये लोग थे अब इनको लिमिटेड एरिया में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। और आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो क्रेन से जो सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेडिंग्स होते हैं उन बैरिकेडिंग्स को लगा के इनके एरिया को सिक्योर और सेफ किया जा रहा है, यानी अगर कोई बातचीत करने के लिए दूसरा पक्ष आता भी है तो उससे क्लैश ना होने पाए, इसी बात के इंतजाम किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टेंट में तोड़फोड़ की गई है, इस मलबे को हटाया जा रहा है और ये जो अब सीमेंट के बैरियर्स आपको नजर आ रहे हैं ये अभी रखे जा रहे हैं ताकि इस बैरियर के उस तरफ जो आंदोलनकारी हैं वो रहे और अगर ग्रामीण आते भी हैं तो दोनों में क्लैश की स्थिति ना होने पाए, इस बात के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें यहां देखने को मिली कि कैसे इतना बड़ा आंदोलन जो 64 दिनों से चल रहा था वो कैसे जनसमर्थन खोता हुआ नजर आया। और आप जानिए कि आंदोलन जो होता है वो क्रेडिबिलिटी से चलता है। क्रेडिबिलिटी जो कुछ हुआ 26 जनवरी के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आकर यहाँ के लोगों से बातचीत करके और यहाँ की तस्वीरों को समझने के बाद पूर्णिमा, तो क्रेडिबिलिटी खोती जा रही है आंदोलन की। और यही वजह है कि जो स्थानीय लोग कल तक इनके लिए चाय नाश्ता खाने का प्रबंध करते थे वो स्थानीय लोग अब इनसे दो दो हाथ करने को तैयार है और वो कह रहे हैं कि आप हमारे इलाके को छोड़कर जाइए, आपके वजह से अव्यवस्था फैल रही है, हमें दो दो घंटे तक इंतजार करना पड़ता अपने घरों को जाने के लिए, रोड ब्लॉक है, दो बड़े राज्य हरियाणा और पंजाब के रास्ते को मुख्य मार्ग को आपने बंद कर रखा है, इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारे घरों में आने जाने वाले रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। लेकिन इन सबके बावजूद ये पूरे गांव वाले, लगभग 60 से 70 गांव हैं इस पूरे सिंगू बॉर्डर के चारों तरफ, ये पूरे गांव वाले अब तक इनको समर्थन कर रहे थे। लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनकारियों की शक्ल में जिस तरह से उपद्रवी दिल्ली की सड़कों पर घूमते नजर आए, तोड़फोड़ करते नजर आए, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते नजर आए, पुलिस वालों पर जो आपके रक्षक थे, जो आपके लिए वॉलंटियर की तरह खड़े थे सड़कों पर, आपके लिए व्यवस्था में खड़े थे आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए, परेशानी ना होने पाए, आप परेड कर रहे थे, पूरी दुनिया जिस दिन आपको देख रही थी उस दिन आपने क्या किया? कल हमने देखा विपिन, ये हालात बिगड़ते चले गए जब स्थानीय लोग ही इन आंदोलनकारियों के खिलाफ खड़े हो गए और आज तो हमने लाठी डंडे भी चलते हुए देखे, पथराव भी हुआ दोनों बीच में, जिसके बाद पुलिस को स्थिति काबू में करने की कोशिश करनी पड़ी। मानव भी इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर हैं और साथ ही जितेंद्र भी जो टिकरी बॉर्डर पर हैं उनके पास भी मैं जाऊंगी। लेकिन मानव, अभी आप सिंगू बॉर्डर के किस स्पॉट पर मौजूद हैं और अब आप कैसी स्थिति वहां पर देख रहे हैं? क्या लगता है अब तनाव आगे नहीं होगा? जिस तरीके से पुलिस मुस्तैद है, बैरिकेडिंग्स बढ़ा दी गई है। बिल्कुल पूर्णिमा, अभी हम सिर्फ सीधा उसी पॉइंट पर मौजूद है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी, जहां पर आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े थे। और अब आप मेरे पीछे देखिए, अभी तक ये पूरा हिस्सा खाली था और अब कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग किसान हैं जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वे अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं या उनको वॉलंटियर कह लीजिए या उनके साथी किसान कह लीजिए, उनको समझाने में लगे हुए हैं और वे खुद से भी आपको बैरिकेडिंग करते हुए यहां पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जैसी हिंसा हुई वो काफ़ी शर्मनाक थी, जैसी तस्वीरें यहाँ से देखने को मिली काफ़ी शर्मनाक थी। और पुलिस ने यहाँ पर अतिरिक्त बल है वो यहाँ पर और लगाया जा रहा है और पुलिस अधिकारी देखिए लगातार यहाँ पर अभी उनको समझा रहे हैं कि ये हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिस तरीके की हिंसा आसपास के गाँव वालों में और किसानों में देखने को मिली वो हिंसा समाधान नहीं हो सकती, तो दोनों तरफ से लोगों को समझाया जा रहा है, किसान भी अपने लोगों को समझा रहे हैं, पुलिस ने गांव वालों को यहां से पीछे खदेड़ दिया है। लेकिन जो चीजें यहां पर अभी है वो आपको पूरी तरह से बिखरी हुई यहां पर दिखाई पड़ेंगी, जो टेंट यहां पर तोड़े गए थे वो आपको इसी तरीके से तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि हिंसा की तस्वीरें काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि लगातार दो दिन से यहाँ पर आसपास के गांव के लोग ये आह्वान कर रहे थे कि अगर लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तो वे खुद यहाँ पर आकर इनको हटाने के लिए कवायद करेंगे और कुछ वैसा ही हुआ।
करीब 300 की संख्या में आसपास के गांव, चाहे वो जाटी गांव हो या फिर सिंगू गांव हो, नरेला या कुंडली के लोग, वे लगातार यहां पहुंचे और उन्होंने सीधा उस बैरिकेड तक गए जहां पर किसान बैठे हुए हैं 64 दिन से, और उनसे सीधा बातचीत की। और बातचीत इस कदर भड़क चुकी थी कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली, जिसमें आप जैसा बता रहे हैं कि SHO अलीपुर प्रदीप पालीवाल वो बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनके हाथ में तलवार लगी है। तो तमाम यहां पर जो अधिकारी थे वो पूरी मौके पर हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये है कि दो दिन से इतनी कड़ी मशक्कत के बाद इतनी हिंसा हो जाती है, तो आगे पुलिस पूरे माहौल पर किस तरीके से काबू पाती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी बात ये भी कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, उसके बाद भी स्थानीय लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और ये स्थिति निर्मित होती है कि आंदोलनकारी और जो स्थानीय लोग हैं वो भी आमने सामने होते हैं, तनाव पैदा होता है, लाठियां चलती हैं। ये 10 तस्वीरें इसके सामने अभी स्क्रीन पे जो है वो आपको बता रही है कि कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया सिंगू बॉर्डर पर। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।